हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, क्रांति मूवी का चौथा सॉन्ग आ चुका है और इसके प्रीवियसली मैं इसके तीन सॉन्ग को रिएक्ट कर चुका हूँ और ट्रेलर को भी रिएक्ट कर चुका हूँ, जो कि बहुत ही धमाकेदार लग रहा था। और तीनों सॉन्ग बहुत ही अच्छे थे गाइस, मतलब तीनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे लेकिन बहुत ही अच्छे थे। और ये चौथा सॉन्ग है, इसका नाम है डोंट मैस विथ हिम। और हम जानते हैं कि ये किसकी बात हो रही है, ऑब्वियसली डी बॉस की बात हो रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन नजर आ रही है ट्रेलर के अंदर। तो मैं बिना किसी देरी के सबसे पहले सॉन्ग देखूंगा और फिर करेंगे चर्चा। चलो ओहो, इलेक्ट्रिक गिटार से शुरू, चैलेंजिंग स्टार दर्शन। ओके, यारो कोटी दल्ला, यारो बिटी दल्ला। हंग के दल्ला, हंगु के दल्ला, मातल हिलो दल्ला। लुक देखो यार, बीट ओके ओके ओके। तो एक वार्निंग सॉन्ग है मेरे ख्याल से, दुश्मनों के लिए वार्निंग। बीट बहुत जबरदस्त डाली। ओके, ये सीन था ट्रेलर में। लुक देखो यार, ट्वेंटी सिक्स जैन को रिलीज हो रही है, जैसे कि हमें पता है ऑब्वियसली 26 जनवरी को। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए गाइज। और सॉन्ग की अगर बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग था। मतलब वो जो बीट होती है ना, वो मैंने काफ़ी सॉन्ग्स में देखी है जहाँ पे मतलब आपको जोश जगाना होता है आप वो बीट को यूज़ करते हो, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं उसको वो इलेक्ट्रिक गिटार के साथ जिस हिसाब से यूज़ करके और ड्रम्स के साथ उन्होंने जो कंपोजिशन बनाया है ना हरी कृष्णा सर ने, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और कहीं ना कहीं वो जैसे मैंने कहा भी कि ये कहीं ना कहीं दुश्मनों के लिए मैसेज है, उस तरीके का सॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर कोई सबटाइटल नहीं थे तो मैं लिरिक्स नहीं समझ पाया कि क्या था, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई ये दुश्मनों के लिए एक वार्निंग सॉन्ग है। जैसे इसमें लिखा भी है कि भाई डोंट मैस विद हिम। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इसके हर एक सॉन्ग काफ़ी डिफरेंट वाइब दे रहे हैं। मतलब जैसे पहला जो सॉन्ग आया था धरनी, कहीं ना कहीं वो सोल था, इस पूरे के पूरे मूवी का सोल लग रहा है, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ, सबसे पहले वही सॉन्ग आया। फिर बॉम्बे बॉम्बे आया, जो कि ऑब्वियसली हमें पता है कि एक लव सॉन्ग है। उसके बाद आई थिंक वो पुष्पावती आया था, शेक इट पुष्पावती, जो कि एकदम पार्टी सॉन्ग था। और अभी ये आया है जो कि डोंट मैस विद मी,
कहीं ना कहीं ये वाला सॉन्ग है जो हमें प्योरली बता रहा है कि जो दर्शन सर का कैरेक्टर है वो कितना ज़बरदस्त होने वाला है, कितना फिरोशियस होने वाला है, कहीं ना कहीं ये सॉन्ग उसको दिखा रहा है। और मैं देखना चाहूँगा कि इस सॉन्ग को कहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इतना पता है कि दर्शन सर जब जाएंगे, ट्रेलर के अंदर जितना नज़र आया था, जब वो स्कूल पहुँचते हैं तो आई थिंक वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, तो क्या ये जब आइडेंटिटी रिवील होगी तब ये सॉन्ग आएगा निकल के, तो ये देखने लायक होगा कि भाई मूवी के अंदर कहाँ प्ले हो रहा है। और चारों सॉन्ग बहुत अच्छे लग रहे हैं और ट्रेलर जैसे मैं कह चुका हूँ कि भाई बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है और दर्शन सर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, मतलब उनकी पर्सनैलिटी को ये कहीं ना कहीं सॉन्ग मैच कर रहा है। और इसमें आई थिंक दो या तीन सिंगर है, तो सिंगर्स देख लेते हैं, टीपू, रंजीत और अनिरुद्धा, तीनों ने बहुत अच्छे, मतलब तीनों की वॉइस ऑब्वियसली कौन सी किसकी थी ये पता नहीं, लेकिन तीनों की ही वॉइस में बहुत ही मतलब दमदार वॉइस है और कहीं ना कहीं वो फ्लो मेंटेन कर रही थी, मतलब सॉन्ग जो अपबीट था ना, कहीं ना कहीं जितनी भी आवाज़ थी सिंगर्स की कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और सॉन्ग सही में गाइस बहुत बहुत अच्छा था, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और मैं वेट कर रहा हूँ जब ये 26 तारीख को मूवी आएगी तो ऑब्वियसली मैं इसको डेफिनेटली देखने जाऊँगा। और आप बता सकते हो आपको ये सॉन्ग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, बाकी आप कितने एक्साइटेड हो मूवी के लिए ये भी आप लिख सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।